98 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर गए महान अभिनेता दिलीप कुमार को लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। न जाने कितने नए एक्टर्स ने दिलीप कुमार को देख देख कर एक्टिंग की ABCD सीखी है। दिलीप साहब फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले इंडस्ट्री के पहले कलाकार थे। लोगों के जहन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस महान एक्टर की विरासत को संभालेगा कौन। दिलीप कुमार और सायरा बानो का कोई बेटा नहीं है। करीब 10 साल पहले दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी विरासत को कौन आगे ले जाएगा। एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने बताया कि ये बहुत अच्छा होता अगर हमारे कोई औलाद होती, लेकिन अब नहीं है तो हमें इसका कोई मलाल भी नहीं है। ये सब ऊपर वाले पर है। जहाँ तक अधूरेपन की बात है तो ना मुझे और ना ही शायरा को कोई शिकायत है। हमारा सुख दुख बांटने के लिए हमारी फैमिली है, हमारा लंबा चौड़ा ख़ानदान है, हमारे कई भतीजे और भतीजियां हैं। सायरा का परिवार छोटा है, उनके भाई सुल्तान, उनके बच्चे और पोते पोतियां हैं। हम भाग्यशाली हैं कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए खड़े होते हैं। जब दिलीप कुमार से पूछा गया कि आपकी विरासत को आगे कौन ले जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि कई सारे एक्टर हैं जो मेरी विरासत को आगे ले जाने के इच्छुक हैं। जब एक नया एक्टर मेरे पास आता है और कहता है कि सर मैं आपके काम को फॉलो करता हूँ और आपके बताए पदचिन्हों पर चलता हूँ, तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस रास्ते पर चलने के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं थी उसे आगे ले जाने के लिए लोग तैयार हैं। दिलीप कुमार जब बड़े पर्दे पर संवाद अदायगी करते तो जिस ठहराव से बोलते उनकी भाव भंगिमा देख कर लोग सुध-बुध खो बैठते थे। दिलीप कुमार पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।